सर सबसे पहले आप लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे समाप्त। लेकिन उसके बाद भी सर कुछ कमी रह गई है कि लोग लगातार पलायन करते जा रहे हैं। देखिए, लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने, DM ने, सभी ने एक आदेश किया है कि जो जहाँ पर हैं वहीं पर रहें और वहीं पर अपने को आइसोलेट कर लें। तो मैं नहीं समझता कि लोगों को निकलना चाहिए, सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सोच समझ कर फैसला लिया होगा कि उन्होंने कहा है कि सब लोग घर के अंदर रहें, क्योंकि ये एक महामारी है, पूरी दुनिया के अंदर इसलिए सफ़र कर रहे हैं, सारी दुनिया इससे महामारी से ग्रसित है, लाखों की संख्या में लोग बीमार हो गए हैं और हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं इसमें। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, इससे लोगों को बचाव ही, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही इससे इलाज है, इसकी सावधानी ही इससे इसका इलाज है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि आप घर के अंदर रहिए, तो किसी भी हालत में हम लोगों को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा लांघने के बाद आपको पता है क्या हो सकता है। इसलिए मैं भी सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, आप घर के अंदर रहें। हमारी सरकार आपको राशन, आपको खाना, आपको सब्जी, सारी चीज मुहैया करा रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी आपको और हमको घर से बाहर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया। देखिए, बीमारी जब आती है तो उसमें सोचने समझने का मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अचानक बीमारी एकदम से आई है और ये संख्या जो एकदम से गुणात्मक हो रही है, तो अगर मान लीजिए उसमें सोचने समझने का टाइम लेते, अगर दो चार दिन का टाइम लेते, तो हो सकता है और विकराल रूप धारण कर लेती। इस बीमारी को रोकने के लिए जितनी जल्दी जो फैसला हो जाए वही करना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने यह आदेश किया है कि घर के अंदर बिल्कुल रहिए, तो घर से बाहर ना निकलिए। तो मैं तो सभी जनता से, सभी भाइयों से, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो कहीं नौकरी करते हों, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर से बाहर ना निकलें अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो। अगर आपके यहाँ कोई बीमार है तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो मजबूरी है। अगर आपके घर में अनाज नहीं है तो सरकार उपलब्ध करा रही है। अगर नहीं आपको मार्केट से लाना है तो उसके लिए आप एक बार में इकट्ठा करके सामान ले आइए जो लाना है, जो लोग बाँट रहे हैं लोगों को भी खिला रहे हैं। जो लोग सक्षम है उनका ये फर्ज बनता है कि जिन लोगों के पास फ्रूट फल नहीं है, सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, उनको उपलब्ध करवाएं। लेकिन घर में रहने के बाद ही अगर वो करें तो ज्यादा अच्छा। सर, इसमें एक समस्या है कि आजकल देख सकते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी है आसपास है वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती है और सामान बांटते लोग बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, लेकिन जो गाँव के बीच में मध्यम वर्ग की है, नौकरी पेशा वाले जिनकी सैलरी है, वो सैलरी खत्म हो गई है, वो उनकी हालात ये है कि वो ना मांग सकते हैं ना उनको मिलता है। अब वो कहते हैं कि हमारे सामने पलायन के अलावा क्या रास्ता है, उनके लिए क्या कहें? नहीं नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपकी कि मध्यम वर्ग के आदमी को अगर गांव में भी खाना उपलब्ध कराना है तो सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो गांव के अंदर भी खाना पहुंचा रही हैं और एक बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, उन पर टेलीफोन करिए, उन पर जो सामान आपको चाहिए वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो हो सकता है देर लगे पहुँचने में। और मध्यम वर्ग के लोगों को मैं नहीं समझता कि उनके घर में अनाज नहीं है या रोटी नहीं है या सब्जी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ वाकई वो उतना ही अनाज खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, जितना ही उनको जरूरत होती है, और उसके बाद खरीदने के लिए फिर पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो सरकार ने बहुत सारे साधन खोल दिए हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आ गई हैं जो सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अगर कोई लोग जबरदस्ती, मैंने कई वीडियो ऐसे भी देखे हैं कि लोग के घर में सामान पड़ा है, आटा भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, उसके बाद भी वो टेलीफोन कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके खिलाफ सजा उनको मिलनी चाहिए जो लोगों को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जी सर, यही पॉइंट मेरा भी था कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। जो घर में होते हुए भी अगर इस तरह की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो ये एक ऐसा समय मानवता के लिए, हम लोग इंसान हैं सबसे पहले, हम लोग इंसानों के लिए काम करना चाहिए पहले। अगर मैं अपने घर में अनाज इकट्ठा हो और दूसरे का अनाज लेके लेना चाहता हूँ तो वो बहुत बड़ी गलती है, वो गलत बात है। कोई आदमी जब कहते हैं ना हिंदुस्तान में कि दुनिया में जब कोई ऊपर जाता है तो साथ नहीं लेके जाता, जब आदमी मरता है तो ना सारी धन दौलत रोटी कपड़ा मकान सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए इस तरह का कि घर में
अनाज रोटी होते हुए और फिर भी टेलीफोन करें या दूसरों को तंग करें, बल्कि जिसके घर में अनाज है, दाल आटा चावल है, उसको अपने साथ साथ अपने पड़ोस में अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास रोटी नहीं है तो उनकी मदद करनी चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, उनको कपड़ा, उनको जो भी सामान उनकी ज़रूरत है वो दिया जाना चाहिए। दवाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी आदमी को रहते हुए भी ज़रूरत, अलग बीमारी कोई होती है तो दवाई की ज़रूरत हो जाती है, उसके लिए सरकार ने आना जाना अलाउ कर रखा है, हॉस्पिटल्स खुले हैं, नर्सिंग होम खुले हैं, तो मैं नहीं समझता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर। एक आखिरी सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छा है, अगर व्यवस्था अच्छा है तो फिर योगी जी ने डीएम के खिलाफ जो शब्द का प्रयोग किया वो क्या सही था? देखिए, योगी जी ने, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिला हमारे जिलाधिकारी थे, उन दोनों में कहीं ना कहीं कोई शिकायत होती है, कई बार शिकायत सही भी होती है, कई बार शिकायत गलत भी होती है। आदमी कई बार ऐसा हो जाता है कि शिकायत दो बार चार बार, गलत शिकायतें भी होती हैं लोगों की, तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्यों कार्रवाई की, उन्होंने उनको लगा होगा कि कार्रवाई की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री जी ने उनको डांटा था कि कहीं कोई ना कोई कमी है उसको पूरा करिए, उन्होंने खुद ही छुट्टी ले ली। मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं, जब आदमी को गुस्सा आता है और ये लगता है कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे, और इनके उनके दिमाग में चीज भर रखी होगी कि डीएम ने ये गलत काम कर रखा है, डीएम ने ये नहीं कर रखा, तो जनता को बचाने के लिए आदमी गुस्से में कुछ भी बोलता है। ये गुस्सा उनका इतना ज्यादा था कि जब लगा कि नोएडा में 37 पॉजिटिव केस हो गए, इतिहास है नोएडा में 37 केस नहीं होने चाहिए, तो उनको ये लगा कि डीएम की गलती के वजह से, और उन्होंने इस तरह का उनको गुस्सा आया और उन्होंने इस तरह के शब्द बोले। जबकि मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का गुस्सा जायज था और डीएम जो काम कर रहे थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, ये नोएडा एक इंडस्ट्रियल टाउन है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ हर एक आदमी की बात को सुनना पड़ता है, हर एक आदमी की बात को समझना पड़ता है, एकदम से आप कड़ा फैसला यहाँ पर नहीं ले सकते कि एकदम बंद कर देंगे। यहाँ के एक, मैं कोई भी उद्योगपति की बात करें, उसके यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, अगर आज वो सारे काम को बंद कर देंगे तो हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा। उस उद्योगपति को अपने ऑफिस में जाकर उन लोगों को पेमेंट देनी पड़ेगी, ये छूट डीएम को देनी पड़ेगी इस काम के लिए। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, गलत फहमियों के चक्कर में बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे उद्योग बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। जैसे बात ये बाहर निकल के आ रही है योगी जी के गुस्से के पीछे, कि कहीं ना कहीं कमिश्नरेट और जो डीएम ऑफिस दोनों के बीच में खाई पड़ गई है जब से कमिश्नर। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि कोई खाई है। डीएम को अपना काम करना है, कमिश्नरेट को अपना काम करना है, चेयरमैन अथॉरिटी को अपना काम करना है, सीईओ को अपना काम करना है, सबकी ड्यूटीज बटी हुई है। एक परिवार में अगर 5 लोग होते हैं तो एक आदमी बाहर कमा के लाता है, दूसरा आदमी घर में काम करता है, तीसरा आदमी दुकान चलाता है, चौथा आदमी उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, हर एक आदमी की ड्यूटी अलग होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है कि कमिश्नरेट अपना काम कर रही है, उनको पुलिस का संभालना है, डीएम अपना काम कर रहे हैं, अथॉरिटीज अपना काम कर रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, और गलत फहमियों के साथ साथ कई बार जब आंकड़ा इतना बढ़ जाता है तो नेचुरली एक प्रदेश के मुखिया को गुस्सा आना जायज है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर के अंदर 37 आंकड़े पर नहीं पहुंची है, तो नोएडा की पहुंची है, चाहे वो कारण कोई भी रहा, तो उनका गुस्सा जायज था और उनके गुस्से के कारण डीएम हमारे बाकी काम करने वाले थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने काम कहीं गलती किया, वो बाकी काम करने वाले हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, 3 साल तक वो नोएडा क्षेत्र का उन्होंने काम किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। भले ही उनका ट्रांसफर हो गया कहीं और, आगे जहां भी जाएंगे वो अच्छा ही काम करेंगे जहां तक मैं समझता हूँ, और जो नए डीएम आए हैं वो उनसे हो सकता है और अच्छा काम करें, नए यंग एनर्जिक टीम है, नए लड़का है, काम करने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो और अच्छा काम करेंगे। और बदलाव ये तो चलते रहते हैं कि ये तो ट्रांसफर्स हैं, ट्रांसफर तो मुख्यमंत्री का काम है, जहाँ जब कोई खाई नहीं है कमिश्नरेट और डीएम, मेरे हिसाब से कोई खाई नहीं है, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कमिश्नर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक सवाल और है जी, बार बार ये उठ रहे हैं, बातें आ रही है कि दिल्ली सरकार ने सारे लोगों को लाके यूपी के बॉर्डर पे छोड़ दिया और
यूपी में इसका भीड़ बढ़ गया। देखिए यूपी सरकार के लिए एक समस्या भी के सामने आ गया कि लोगों को कैसे वहाँ गंतव्य तक पहुँचाए, इनको बस भी चलाना पड़ा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनता है और जनता की तकलीफ सरकार को सुननी पड़ती है। जब दिल्ली से लोग दिल्ली में, या तो उन सब लोगों को भी रोक दिया जाता, दिल्ली से निकलते ही ना। अब दिल्ली से निकल के आ गए और यूपी में घुस गए तो उनको क्या करेंगे आप? फिर उनको पहुंचाना, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो आदमी सड़क पे उसको उसके घर तक पहुंचाया तो ये बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में जब कर्फ्यू लग गया दिल्ली में, उन्होंने पहली घोषणा कर दी कर्फ्यू लग गया, तो कर्फ्यू के लगते हुए वो बॉर्डर तक कैसे आ गए? सवाल इस चीज का है, कर्फ्यू में कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, और मजदूर पोटली बांध के सर पर रख के गठरी और बच्चों को गोद में लेकर पैदल यहां तक आ गए, व्हाट इज द मीन्स, क्या मतलब है इस चीज का? बाकी ये दिल्ली सरकार का फेलियर है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का फेलियर हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का फेलियर हो, चाहे वो किसी और मशीनरी का फेलियर हो, दिल्ली का आदमी चलकर नोएडा तक आ गया कर्फ्यू में, तो कर्फ्यू का मतलब क्या रहेगा? कर्फ्यू का मतलब होता है कि घर से बाहर किसी आदमी को अगर निकलता है तो पुलिस उठाकर ले जाती। हम तो बहुत पहले देखा करते थे, कर्फ्यू का नाम सुना करते थे, हमने देखा जब इंदिरा जी की डेथ हुई थी, जब उनका उस वक्त और कर्फ्यू लगा था, 84 की बात कर रहे हैं, सड़कें शांत थी, कोई आदमी पंछी भी सड़क पर नजर नहीं आता था 84 के अंदर, और आज लाखों की हजारों की संख्या में लोग आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठे हो गए, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग नोएडा में आ गए, गाजियाबाद में आ गए, कहे का कर्फ्यू है, कहे का लॉकडाउन है भाई, ये कर्फ्यू कहाँ रह गया? कर्फ्यू में आदमी घर से बाहर निकलते गोली मारी जाती है, कर्फ्यू में बाहर निकल ही नहीं पाता घर से कोई भी, कहा कर्फ्यू नहीं, ये तो नाम का कर्फ्यू रखा उन्होंने, और ये दिल्ली सरकार को बिल्कुल वहां बंद कर देना चाहिए था, पूरे बॉर्डर जाम कर देने चाहिए थे, और एक आदमी को भी सड़क पे गठरी लेकर नहीं निकलने देना चाहिए था, ये गलत किया उन्होंने, और हमने और हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वहां तक गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है, ये बड़ा काम किया। अच्छा एक सवाल और आ रही कि कई अफवाहें फैल रहा है, अफवाहों के बारे में कि हो सकता है कि ये लॉकडाउन 3 महीने तक जा सकता है, हालांकि हम लोगों ने खंडन कर दिया है। देखिए प्रधानमंत्री पक्की बात करते हैं, उन्होंने 14 तारीख तक का ये किया, 21 दिन का किया है, 21 दिन के बाद बढ़ाने की उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि इन 21 दिनों में जो लोग घरों के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उद्योग फेल हो रहे हैं, उद्योग बंद है, तो उन लोगों को सेटल होने में 3 महीने लगेंगे। 3 महीने तक के सिलेंडर फ्री किए हैं, 3 महीने का जो जिक्र आ रहा है कि सब सामान आपको करना है, 3 महीने का मतलब यह है कि आप घर में बैठे 21 दिन के बाद जब आप घर से निकलेंगे तो आपके अपने सेटलमेंट को, आप जो आपका सेटअप है, जो आपका उद्योग है, जो आपकी दुकानें हैं, उसको सेट करने में, अपने परिवार को सेट करने में आपको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने इस चीज के लिए है, 3 महीने लॉकडाउन का नहीं, लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, बिल्कुल नहीं है लॉकडाउन। मैं तो डेली 1000 SMS मिटाता हूँ व्हाट्सएप जो आते हैं, जो बिल्कुल फर्जी व्हाट्सएप चलते चले आ रहे हैं, किसी का सर किसी का धड़ लगा के भेज देते हैं, और उसमें इतनी अफवाहें अफवाहें अफवाहें, भाई कहाँ तक लोगों के पास, मुझे नहीं समझ में आता कितना टाइम है लोगों के पास कि वो व्हाट्सएप उल्टे सीधे बना बना के भेजते रहते हैं। अरे भाई घर में बैठ के भी काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बीवी के साथ कुछ बात करो, अपने व्यापार के ऊपर कुछ बात करो, टेलीफोन तो आपके पास है ना, इंटरनेट तो आपके पास है ना, सारे काम तो आप इंटरनेट से करते हो, सारे काम आप टेलीफोन से करते हो, आप फिजिकल कितने काम करते हैं? तो व्यापारी ज्यादातर काम, उद्योगपति भी टेलीफोन से, नेटवर्किंग से करते हैं, नेटवर्किंग से काम करिए। ये उल्टे सीधे व्हाट्सएप बना बना के जो भेजते हैं, इससे लोगों का दिमाग खराब ना करें, उल्टे सीधे अफवाहें ना करें, बिल्कुल अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें, और जो इस तरह के आते हैं, मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह के व्हाट्सएप बना बना कर भेजते हैं, भाई देश के नागरिक हो, देश के लिए काम करो, उल्टी सीधी अफवाहें मत फैलाओ, इस तरह की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा, जिससे ये अफवाहों की मेहरबानी है जो लाखों लोग सड़क पर आ गए। सर कुछ लोग, सर कुछ लोग लॉकडाउन के दौरान भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जब उनके लिए क्या करना चाहिए? सीरियस लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है, ये नहीं देखती है गरीब है या ये अमीर है, ये मध्यम वर्गीय है या बूढ़ा है या जवान है, बीमारी जिसको लग गई
उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और उससे आप देख रहे हैं, बीमारी ये ऐसी है कि इसको मरने के बाद भी इसकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता। इसके जीते हुए जब पता लगता है कि वो मरणासन्न स्थिति में चल रहा है, तो डॉक्टर भी उससे दूर हो जाते हैं, नर्सें भी दूर हो जाती हैं, परिवार को तो नजदीक आने ही नहीं दिया जाता, आता भी नहीं है, और उसको प्लास्टिक की उसमें लपेट लपाट के उसको भेजा जाता है, और उसको क्रियाक्रम के लिए 5 आदमी जाते हैं। भाई तो ऐसा क्यों करना चाहते हो, कि ऐसी समस्या क्यों पैदा उत्पन्न होने देना चाहते हो देश में? मैं तो कहता हूँ साथियों, इन सारी चीजों को सोचकर हाथ जोड़ो, घर में बैठो। प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया है कि आप घर में बैठ के भजन करिए, घर में बैठ के। बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं आजकल, तो रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, वो बच्चों के दूसरे बहुत सारे पैकेज आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? भाई रोजी रोटी सरकार दे रही है। एक शिकायत में तो दुर्वाड़ी के पहले शिकायतें होती थी कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, डेली घर से निकल जाते थे, रात को घर में आते थे, आप बीवी बच्चों से मिलते नहीं थे, कम से कम औसत पूरा कर लो बीवी बच्चों से मिलने का भाई, कि हम बच्चों के साथ रहेंगे, उनका हाथ बटाओ, बीवी का कपड़े धोने में, दूसरे काम करवाने में कुछ ना कुछ मदद करो, उनकी दिक्कत क्या है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ घर के अंदर, केवल लॉकडाउन का मतलब घर के अंदर, भैया घर से बाहर बिल्कुल मत निकलो। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, घर से बिल्कुल ना निकलो, घर के अंदर रहो। बस इसी के साथ सबको धन्यवाद, जय हिंद।